अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं हमारे इस वेन्यू पे जो कि है किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड वन शारजा यूएई, जहां पर खेला जा रहा है एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट एचपीएल मिडनाइट थर्सडे। दो टीमों के माबैन मेरे साथ मौजूद है, यूनिटी के कैप्टन नासिर और समद स्पार्टन के कैप्टन समद। तो सबसे पहले सर हम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। एक बार फिर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं हमारे इस वेन्यू पे जो कि है किंगस्टन क्रिकेट ग्राउंड वन शारजा यूएई, जहां पर खेला जा रहा है एक इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट एचपीएल मिडनाइट थर्सडे। दो टीमों के माबैन मेरे साथ मौजूद है, यूनिटी के कैप्टन नासिर और समद स्पार्टन के कैप्टन समद। तो सबसे पहले सर हम करेंगे टॉस और समद करेंगे फ्लिप और नासिर करेंगे कॉल। अच्छा, क्या लगता है कितने तक मतलब टारगेट सेट होना चाहिए इस विकेट पे, क्योंकि एक छोटा ग्राउंड है, अच्छा ट्रैक है और टीम भी आपकी बैलेंस है? मेरे हिसाब से इस विकेट पे जिस तरह का विकेट है, बैटिंग और बॉलिंग बहुत सपोर्ट करता है, तो 180 प्लस करेंगे तो अच्छा मैच होगा। चलिए सर, जाए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें बैटिंग की। अब मैं दावत दूंगा नासिर को। सर आप टॉस हार गए हैं और आपको फील्डिंग की दावत दी गई है, मुतमईन हैं आप? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल। इंशाल्लाह आप मुतमईन हैं, हमारे पास बॉलिंग अच्छा है इंशाल्लाह, और इस विकेट में जो हम देखते हैं इंशाल्लाह इतना स्कोर नहीं हो सकता है, स्कोर बहुत मुश्किल है इस विकेट में मेरे ख्याल में, और बैटिंग इसमें थोड़ा मुश्किल होगा, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 160-150 तक, उससे आगे उसको अगर रुक पाए तो इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। अच्छा, एक यंग टीम है आपकी, मैं देख रहा हूँ नौजवान खून है, तो मुझे सर टीम के बारे में बताएं, कैसी कम्बिनेशन आज आपने रखी है? बैलेंस टीम है, मतलब 6 बैट्समैन 6 बॉलर हैं या फिर मिक्स है, किसी एक को आपने ज़्यादा फोकियत दी है? इंशाल्लाह हमारे पास तो बॉलिंग अच्छा है, बैटिंग में थोड़ा कमज़ोरी है हमारा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 बैट्समैन है हमारे पास और इंशाल्लाह 7-6 बॉलर हैं। चले सर, जाए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करें फील्डिंग की। तो ये थे नासिर कैप्टन ऑफ यूनिटी 11। तो न्यूज़ ये है कि समद स्पार्टन के कैप्टन समद ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। थैंक यू सो मच।